कल 12 तक ऑब्जेक्टिव हो चुका था ट्रिग्नोमेट्री का, आज 12 और ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में है, तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना इस चीज को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है। रूट के अंदर अगर दो होता है टर्म तो वो निकल के एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाय नीचे से हो जाएगा साइन थीटा। तो आंसर ये भी हो सकता है, या कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है कि 9 sec² θ - 9 tan² θ, इसमें से हम लोग 9 अगर कॉमन ले लेते, यहाँ से बच जा रहा है क्या चीज, sec स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ से बच जा रहा है tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम कल बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1, आगे लगा हुआ है 9, तो 9 into 1 क्या हो जाएगा आंसर 9। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इतना दिया है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, ध्यान समझना इस चीज को, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस इधर आगे क्या हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह बात हम कल भी बताए थे, कोई व्यक्ति अगर लिखता है 2 + 3 उसको 5 के बराबर लिखता है, या कोई व्यक्ति लिखता है 3 + 2 वो 5 के बराबर, तो दोनों अपनी जगह पे सही है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन लिखो या 1 + 10² θ, बात तो सेम है, यहाँ पर क्या था 1 + 10² θ, इसके बराबर है ये आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर sec स्क्वायर थीटा, समझाया। या इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 / क्या चीज cosec स्क्वायर थीटा, ये भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी, cos a बराबर है 4/5, ध्यान समझना इस चीज को, cos a जो है वह 4/5 के बराबर है, तो तुम लोग को याद आ जाना चाहिए क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cos थीटा क्या होता है by, cos थीटा क्या होता है by h, तो हमें बेस क्या पता है फॉर्मूला by h, क्या होता है पता by h। अबे यहाँ पर देखो क्या पता है हम लोगों को, कि बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, नहीं पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर व्हाट, तो परपेंडिकुलर निकालना होगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, क्या होता है tan थीटा बराबर tan थीटा, थीटा के बराबर क्या है यहाँ पे a, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा पी वाई बी, तो हमें पी तो नहीं पता है, तो पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये फॉर्मूला पाइथागोरस तुम पढ़ा है ना, फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पे हम लोग पी निकाल सकते हैं, तो पी बराबर क्या रूट अंडर एच की जगह पर कितना आ जाएगा 5 / माइनस बी की जगह पर 4 / 5 / 25 4 × 16 घटाएंगे तो क्या आ गया 9 का 3 तो क्या हो जाएगा, पी की जगह पर क्या 3 बट्टा बेस की जगह पर क्या है, तो बेस की जगह पर क्या 4, तो ये हो जाएगा 3/4 आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 किसके बराबर होगा, तो यह क्वेश्चन सभी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो तुम लोग जानते ही हो कि टेन किसका होता है 30 डिग्री, या कॉट किसका 60 डिग्री, ये दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी किए हैं, 1 + को एक चीज को चेंज कर दो, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, यह क्वेश्चन हम कल बता चुके हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में है, तो खुद से हो जाएगा, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के किस मान के लिए, तो तुम लोग मान सारणी को थोड़ा ध्यान में रखो, तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, तो ध्यान से देखो इस चीज को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन का जो वैल्यू होता है उसी को उल्टा करके लिखते हैं कॉस आ जाता है, तो देखो दोनों तरफ से बीच में कौन पड़ रहा है 45, यानी 45 डिग्री का मान ही दोनों के लिए इक्वल होता है, यही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2, तो किस थीटा के किस मान के लिए, तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ 3θ = 90 डिग्री, तो बोला टेन थीटा का मान क्या होगा, इस चीज को भी समझो थोड़ा, तो यहाँ पर अब हम लोग थीटा निकालते, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री / 3, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 30 डिग्री,
देखो टेन थीटा के बराबर क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान क्या होगा, तो टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 स्क्वायर है, तो इसको कैलकुलेट करते 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1/1 का स्क्वायर क्या दिया 1 स्क्वायर √2 आया समझ में, अब इसको कैलकुलेट कर लो बहुत ईजी है, तो 1 प्लस 1 ये क्या चीज का चीज है डिवाइड का, तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 2/1 तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 3 तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बट्टा, तो इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, थीटा की जगह क्या होगा 36 डिग्री, हाँ तो इसका मान क्या होगा ध्यान समझना, टेन स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा इसको क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 36 पूरे का 54 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर 36 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, तो टेन और थीटा की जबर क्या है 36 होगा ना 36 डिग्री, तो क्या आ जाएगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, पाई रेडियन बराबर है, कल भी बता चुके हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी एक राउंड मारने में 2π होता है, हाफ राउंड मारने में कितना हो जाता है देखो ना, एक राउंड मतलब 2π, एक राउंड मतलब 360 डिग्री, हाफ राउंड मतलब कितना 360 का आधा कितना 180 डिग्री, तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और प्लस 1 और बट्टा cos 60 का वैल्यू तो जान ही रहे 1/2 माइनस 1, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो ये 1/2 मतलब एक का आधा, ये एक एक में अगर आधा जोड़ देंगे तो क्या होगा डेढ़, डेढ़ को लिखा जाता है क्या 3/2, क्या लिखते हैं 3/2 नहीं लिखेंगे, अब देखो आधा में से अगर एक चला जाए, आधा में से क्या चला जाए एक चला जाए तो क्या बचेगा, ध्यान समझना एक जा रहा है, एक बड़ा चीज है, बड़ा चीज के सामने क्या क्या चीज है माइनस का, माइनस क्या हो जाएगा आधा, इसको क्या लिखेंगे हम 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2, तो 3/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2/2 कैंसिल क्या दे दिया माइनस 3, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो ये क्वेश्चन, देखो क्या है सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तुम कोशिश करो कि क्वेश्चन को हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1/2 क्या चीज cos थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर क्या है 1/2 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड में कर दिए इसका LCM अगर लेते हैं तो क्या आता है ऐसे sin स्क्वायर, बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, एक के टर्म में sin के अंदर sin कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो 1/cos² a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1/2 से क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हम आगे इसको करते हैं तो लिखेंगे 1/cos² a ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है ए, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2 प्लस कोई एक चीज को कन्वर्ट कर दो, साइन 38 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 90 में से 52 जाएगा तो 38 पड़ जाएगा बाय यहाँ से हम लिखेंगे cos 52 डिग्री, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा, तो 2 और cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा 52 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 52 डिग्री, तो ये से ये कैंसिल बच गया कितना 2 कितना बच गया 2, फाइनल आंसर होगा इसका। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है, cot थीटा 3/4 है तो cot थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, क्या होता है बी बाई पी,
पी, जबकि टेन थीटा बराबर होता है पी वाई बी, इसी का रेसिप्रोकल कर देने पर, उल्टा कर देने पर हम लोग को निकालना टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी वाई बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी बराबर पी के जगह पर देखो वैल्यू कितना है, बी के जगह वैल्यू कितना है थ्री, इसका स्क्वायर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, बस करो।